बाद भीग रहे हैं, यहाँ दो पैसे कमाने के लिए खड़े हैं, और जो है कमाएंगे तो घर पे लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे हम लोग, ये हम ये कहना चाहते हैं। देखिए जैसे कि तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव हल्द्वानी, और यहाँ पर हैं मेरे खास मेहमान जो मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, और ये आपको आज बताएंगे टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव के पूरे हाल समाचार। पिछले 20 सालों से ये टैक्सी का कारोबार कर रहे हैं, और किस प्रकार इन्होंने हालात देखे हैं, किस प्रकार के आज के हालात को ये देखते हैं अपनी नज़र से, तो ये आपको आज स्पष्ट तरीके से दिखाएंगे। फिलहाल आप बने हैं सती ट्रैवल्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, बने रहें, देखते रहें स्टे ऑन सती ट्रैवल्स। सर बताइए, ये देख रहे हैं हम भोटिया पड़ाव चौकी पर हम आ चुके हैं, इसमें यहाँ देखने देख सकते हैं आप कितना काम हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और कहने को कोई काम भी नहीं है यहाँ। यहाँ जो है देखिए सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, हम भोटिया पड़ाव टैक्सी स्टैंड पर खड़े हैं यहाँ, इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारे पास, भीग रहे हैं यहाँ, दो पैसे कमाने के लिए खड़े हैं, और जो है कमाएंगे तो घर पे लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे हम लोग, ये हम ये कहना चाहते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं जो मीडिया वालों ने बोला है कि उत्तराखंड में बाढ़ आई है, या जैसा भी कुछ हाईलाइट कर रखा है, जो भी कर रखा है, उस ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, भीमताल, सातताल, कमलताल, सब जगह जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, अच्छा मौसम है, बहुत बेस्ट। आप लोगों को भड़काया जा रहा है कि यहाँ पे बाढ़ आ रही है, यो आ रही है, ये नहीं आ रही है, वो आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप लोग सारे लोग आ सकते हो। तो दोस्तों आपने फिलहाल भाई साहब की बात सुन ली है, ये जो हमारे गेस्ट हैं ये टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव हल्द्वानी के सबसे पुराने आदमी हैं, और इन्होंने वो हालात देखे हैं टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव के, कि जब यहाँ पर काम उछलता भी है और डाउन भी होता है, तो इन्होंने आपको आज सारी बातों से रूबरू करा दिया है। अगर आप कहीं बाहर से हैं, अगर नैनीताल आने का विचार बना रहे हैं, तो नैनीताल आ जाएं, विजिट करें टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव, आएँ यहाँ से टैक्सी लें, नैनीताल घूमें, आराम से जाएं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई फ्लड नहीं है, बढ़िया तरीके से यहाँ के टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, रोज़ गाड़ियाँ अपनी अप डाउन करवा रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर आइए और अपनी फैमिली के ट्रिप को इंजॉयबल ट्रिप बनाएं। प्लीज़ बने रहें सती ट्रैवल्स के साथ, देखते रहें आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रैवल्स, बाय बाय, टाटा।